हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय यूट्यूब चैनल मजनू द रोस्टर एक्स वाई जेड। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग आपको सही लगते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारे इस सदी के बिग बॉस शो टीटी सीजन 2 के विनर है, एलविश यादव। तो भैया कहते हैं इनकी कुछ बकर 4,55,000 कुछ ऐसे ही वीडियो चल। तो दोस्तों, ये बंदा बोलता है कि आई एम दबर कर मारा, कभी रोज लेपे घूमता कभी इस पे। तुम सिस्टम को फाड़ने की बात करते हो, तुम खुद तो फट नहीं पाते और मोटा लेपेट लेट के फट जाते पौ, पौ। लेकिन नहीं, इन बंदों की ऐसी बकलोर तो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन नहीं, मेरी YouTube फैमिली आप हो आप गाइस, हमको बुला के हमारा फायदा उठा। इनके लंड के बालों के मुंह में ऐसा फट्टा फाड़ दो जिसमें इनके फट के हाथ में जाए और तुम भी फट जाओ, मैं भी फट जाऊँ। क्योंकि नहीं, जो हो तुम हो मेरे लिए भाई, आज भी बोलता हूँ चमाने बाद भी बोलूँ। क्योंकि इनको अब तक क्या ये है मतलबी बंदे, मैंने इनको देख लिया। एक पहले बना तो फिर करता था बकारी, आज बन गया करोड़पति। तो इनकी बकर चदी देख के तुम्हारे मन में क्या आता है? मेरे गेम में तो ऐसा आता, मुझे तो उल्टी आ रही। बंदर मामा, तुम तो बहुत ग्रेट दिखते हो, लेकिन नहीं, तुम पे तो मैं डेली रोस्टिंग वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मुझे बहुत बंदों के कमेंट आए कि भाई अभी एलबीसी यादव पे ब्लॉग बनाओ रोस्टिंग। तो इनकी बकर चोरी देख के आपके मन में क्या करता है? मेरे मन में तो ऐसा लगता है मुझे उल्टी आ रही और मैं जाऊँगा उल्टी कर लूँगा। क्योंकि मुझे बिग बॉस का OTT सीजन तो मैंने पूरा देखा, लेकिन मैंने देखा भाई अपने सलमान भाई के लिए, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके तो जय जय भाई सलमान भाऊ, आज उनके अब उनकी Tiger 3 आ रही है, उनको भी देखेंगे हम लोग। क्योंकि इन बंदों को लगता है कि सलमान खान पे रोस्ट मार लिया तो बस हम बहुत बड़ी बहादुर यूट्यूबर बन गए। कभी कम जनता पे रोस्टर मार के देखोगे, फट के हाथ में आ जाएगी और ऐसे फटक जाएगी, फट देनी चाट मारा खिच के तमा हया हुया हुई, तो फट के तुम्हारी तो ऐसी हाथ में आ जाएगी और बोलोगे राव साहब सिस्टम के नीचे तुम ही रहना, किसी को बोलना नहीं वरना फटके हाथ में जाएगी। कि तो इस बकर चोरी देख के इस लौंडे के चिकने लौंडे दिखता तो तू अच्छा सुंदर है, तो बोलता फेंकता तो इतने भाई आज हम कोई नई गाड़ी लेंगे, कोई नई गाड़ी बाहर से आते हो एकदम गाड़ी लेके हम रहे हमारी इधर की यूट्यूबर की कॉपी करते हो। यार तुम खुद कॉपी वाले बंदे हो यार, दूसरों को क्या बोलते हो कॉपी करने? इतनी फुद्दू वीडियो बनाने का दिमाग आता कहाँ से है? मेरे दिमाग में तो ऐसा आ रहा है मैं जाऊँ छत पे किसी टेरेस पे जाऊँ और 4 मंजिल से छलांग मारूँ और मेरी मुंडी मर जाएगी और फिर मैं दोबारा ब्लॉग डालूंगा। और अभी मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, ऐसे ही एलविश यादव का एक और मैंने ब्लॉग बनाया है। क्योंकि मैं देखो भाई किसी का और भाई वीडियो कैसे लगे, और एलविश भाई आपको अगर ब्लॉग बुरा लगा उसके लिए भी सॉरी, लेकिन ये यार भाई यूट्यूब वीडियो यार इससे आपको भी बुरा नहीं, ये सीरियस बात है दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैं तो वीडियो बनाऊंगा। तो क्या मतलब पड़ता है इन बकरचोदी वीडियो देखने का? मेरा तो दिन में ऐसा लगता है तुम्हारी कदम फांसी लगाऊंगा उल्टी आ जाएगी। लेकिन नहीं यार, गांड में ऐसे बम्बू घट जाता है ना, जैसे फटके चार में हाथ में आ जाती। लेकिन नहीं, इन लंडों की ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मजनू द रोस्टर में आपका स्वागत भी है, खत्म बाय बाय वीडियो। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसे लगे चैनल को लाइक एंड सपोर्ट कीजिए और लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए बाय। आप नहीं आगे करोगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? वीडियो बनाता ही रहूंगा, ऐसे घिसते रहूंगा। और अभी न्यू मैच आ रहे हैं हमारे, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो चैनल अपने जब तक अपनी इंडिया को फोकस करो और Dream 11 पे जाओ, उस चैनल की लिंक कॉपी करके डाउनलोड करो।